वेलकम टू फ्यूचर जोन कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों, फ्यूचर जोन कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज सरलीकरण की सेट नंबर दो या क्लास नंबर दो हुई है। आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। सरलीकरण आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर टू आपको पढ़ाएंगे, भाग नंबर दो। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक तरीके से पार्ट नंबर टू को आप समझेंगे, मन से सीखते हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन देखो, ये टॉपिक ऐसा है, इसमें अगर हम लोग प्रॉपर अच्छे से काम करेंगे तो आप ये मान के चलिए हमारा गणित तैयार। मेरे हिसाब से कल हमने 40 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। जस्ट 40 नंबर से आगे हम लोग बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है 3/4 भाग 2 से 1/4 का 2/3 माइनस 1/2 माइनस 1/3 1/2 प्लस 1/3 इनटू 3 1/3 प्लस 5/6। देखो डियर चाइल्ड, बड़े मन से हम लोगों को आपको सीखना है सवाल। कल जो नए बच्चे आए थे उनको मैं बता देता हूं, फॉर्मूला होता है बी ओ डी एम ए एस। बी ओ डी एम ए एस, बी फोर होता है ब्रैकेट, बी फोर होता है ब्रैकेट। मैंने कल ही बताया था बी फोर होता है ब्रैकेट, ओ फोर होता है ऑफ यानी के का, डी फोर होता है डिवीजन यानी के भाग, एम फोर होता है मल्टीप्लाई यानी के गुणा, ए फोर होता है एडिशन यानी के जोड़, एस फोर होता है सब्ट्रैक्शन यानी के घटाओ। क्लियर होगी बात? तो जब भी हम कोई इक्वेशन सोल्व करेंगे तो उसमें प्रोसेस हमारा क्या होगा, ये बात। सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम ये होगा चीजों को सोल्व करने। खैर, हमें लग रहा है बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लिखा, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। बस आपको इसको क्या करना है समझो, हम लोग इतना हिस्सा पहले सोल्व करने वाले हैं। इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, 1/2 में से 1/3 घटाता हूँ। मैंने कल सिखाया था याद होगा आपके, इसमें से 1/2 में से 1/3 घटाओगे कितना बचेगा, 5/6। 1/2 में से 1/3 घटाओगे तो कितना बचने वाला है, 5/6 बचने वाला है। और 1/2 में जब 1/2 जमा 1/3 करोगे तो क्या बचने वाला है, 5/6 होने वाला है। कितना होने वाला है, 5/6 होने वाला है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लगी हो, क्लियर बच्चे, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, ऊपर वाले भिन्न का मान 1/6, नीचे वाले भिन्न का मान 5/6। अब आपके याद हो पहली से तीसरी बेस्ट पोजीशन क्या हो जाती है, आपके पास बच जाता है 1/5, आपके पास बच जाता है 1/5। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, 3/4 भाग 4×8 = 9/4 का 2/3 माइनस 1/5 आएगा ना, 1/5 गुणा 3×9 = 10/3 प्लस 5/6। बोलो किसी बच्चे को इतनी बात सीखने में कोई आपत्ति दर्ज नहीं है, बोलो क्लियर है एकदम बच्चों, क्लियर है एकदम। अब देखो रूल कहता है ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलने को है नहीं है। रूल क्या कहता है कि का बेसिक मीनिंग क्या होता है, गुणा। का मीनिंग क्या होता है, गुणा। डाउट है कोई, 2×3 = 9। अब का भी हो गया, अब की बार क्या करना है, आइए भाग करते वक्त पहली भिन्न तो रहेगी जो कि दो, पहली भिन्न रहेगी एडिट, भाग की जगह गुणा का निशान, भाग की जगह किसका निशान, गुणा का निशान। और इसको उल्टा कर 2/3 नपी 1/5 गुणा 10/3 जमा 5/6। मेरे विचार से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लगी क्या अपनी वैसे नो बच्चे, 2×3 से यहाँ बच गया आपके पास 1/2 माइनस 5×2/3 प्लस 5/6। अब मैंने सिखा था जब इक्वेशन में जोड़ना घटाना ही रह जाए तो पहले बच्चों आप जोड़ लो या घटा लो, इस बात से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता। जोड़ लो या घटा लो इससे कोई फर्क पड़ने वाला होता नहीं है। या मैं कहूँ तीनों सीधे एक साथ कर सकते, दोनों चीज एक साथ कर सकते हैं आप लोग, कैसे
डिनोमिनेटर कर दो इक्वल, ऊपर नीचे कितने से गुणा कर दो, तीन, यहाँ कर दो दो तय होता है। अब देखो यहाँ भी छह, यहाँ भी छह, यहाँ भी छह, अब देखो तीन बटे छह नबी चार बटे छह जमा पांच बटे छह, तो आप देखेंगे पांच प्लस के तीन प्लस के पांच आठ, आठ में तो चार के चार बटे छह, और दो दूनी चार दो दिए छह, अर्थात इसका मान कितना आ गया दो बटे तीन। किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन का हो सकता है, क्लियर? देखो मैंने कहा आपको ये चीज हो रहा है, अगर इनपे अच्छी आपकी कमांड हो जाती है तो पूरा गणित ये मान लीजिए आपकी कमांड में आ गया, ठीक है नहीं? और इन सवाल को दो बार आप करोगे ना, कॉपी में मत उतारिए बेटे, कॉपी का प्रयोग मत करिए, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ, यहाँ समझिए, ठीक है नहीं? घर जाके पुनः आप करिए सवाल, तो इससे क्या होगा कि आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे। बेटे मैं आप स्वीकार कर दो, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनको मैं तीन बार करूंगा तो चौथी बार उसको सॉर्ट कर दूंगा जो नए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो आपको अपने आप से चीजों को क्या करना सीखना है, क्लियर? तो मेहनत से मतलब काम अपनी पेंसिल से करिए, यहाँ समझिए बस के, और बाकी मैं डालूंगा वीडियो, जहां कहीं फंसते हो तो उसमें आप लोग देख लीजिए। सर दो बटे पांच जमा दो सही चार बटे नौ डिविजिबल सेवन फाइव बाय ट्वेल्व माइनस पांच सही तीन बटे चार डिविजिबल ट्वेंटी टू वन बाय फोर वन बाय टू प्लस टेन इंटू फाइव बाय एटीन। यस मेरे प्यारे विद्यार्थी याद हो कल मैंने एक बात सिखाई थी, अगर थोड़ी सी याद हो, मैंने कहा था दो सही एक बटे दो है तो दो जमा एक बटे दो सिखाया था, आप मुझे बताओ यार इसको ये सात प्लस का ही पांच माइनस का तो तुम्हारे पास क्या बचा होगा, दो बताओ बच्चा होगा नहीं बोलो, बारह दुनी चौबीस और पांच उन्तीस बटे बारह माइनस तीन बटे चार। बोलो बच्चों दिक्कत है? अब फिर घटा रहे तो डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे तो यहाँ ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई, उन्तीस बटे बारह माइनस नौ बटे बारह अर्थात बीस बटे बारह अर्थात चार बजे बीस चार ये बारह पांच बटे तीन। कोई दिक्कत लगी किसी को? ओके दो बटे पांच जमा नौ दुनी अठारह चार बाईस बाईस बटे नौ भाग क्या आया बेटे मैं भूल गया पांच बटे तीन तीन था ओके पांच बटे तीन डिविजिबल बाईस दुनी चवालीस और एक पैंतालीस बटे दो जमा पचास बटे अठारह माइनस चार बटे पांच तो फिलहाल इसको फिलहाल करना पांच बटे तीन गुणा दो बटे पैंतालीस पांच नम पैंतालीस दो बटे सत्ताईस जमा पचास बटे अठारह। इतनी बार सीखने का कोई प्रॉब्लम लगी होगा इसको थोड़ा ब्रेक कर लो, दो ते पच्चीस दो नम अठारह, अब बराबर करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, नौ तीये सत्ताईस तो यहाँ ऊपर नीचे कितने से बड़ा लगे पच्चीस तीये सत्तर दो कितने हो सतहत्तर बटे सत्ताईस सतहत्तर बटे सत्ताईस, यानी कि इसका मटेरियल कमाना सतहत्तर बटे सत्ताईस माइनस चार बटे पांच डिविजिबल बाईस बटे नौ प्लस दो बटे पांच। बोलो कोई समस्या लगी क्या? नौ अब फिर क्या करते हैं अभी भी भाग की जगह किसका निशान गुणा दो बटे पांच जमा बाईस बटे नौ गुणा सत्ताईस बटे सतहत्तर माइनस चार बटे ग्यारह दूनी बाईस ग्यारह सौ सतहत्तर तो नौ दिए तीन दूनी छह बटे सात जमा दो बटे नब्बे चार बटे पांच। अब देखो यहाँ और यहाँ और यहाँ हर बराबर है कि नहीं, तो पहले इनको सॉल्व कर लो, कुछ तो कुछ छोटा हो रहा काम, ये माइनस के चार है ये प्लस के क्या है दो, इसका भी हर पांच और इसका भी हर पांच, चार में तो दो जाके कितने बचेंगे दो क्लियर, छह में तो चार दो गए
चार बटे अच्छा सॉरी अब अरबरा बात करनी है, पांच की गुणा यहाँ ऊपर नीचे और सात की यहाँ, पांच सात दुनी तीस में से चौदह के कितने बचे, सोलह बटे पैंतीस। तो ये क्या आया, सोलह बटे पैंतीस। लेकिन ऑप्शन में आपने देखा सोलह बटे पैंतीस तो कहीं में लिख रहा, वहां तो लिख रहा है धन पूर्णांक एक ऋण पूर्णांक एक धनात्मक ऑप्शन क्या परंतु पूर्णांक नहीं, पूर्णांक होते पूरे अंक पंद्रह पूर्णांक है लेकिन माइनस का लगा दो तो ऋणात्मक संख्या कैसी है, ऋणात्मक पूर्णांक और लिख दो माइनस पंद्रह बटे सोलह ऋणात्मक संख्या परंतु पूर्णांक नहीं, लिख दो पंद्रह बटे सोलह धनात्मक संख्या परंतु पूर्णांक नहीं। तो आप इसको देखोगे क्या संख्या थी है, धनात्मक संख्या परंतु पूर्णांक नहीं। क्लियर हो गया बात बेटे, समझ आ रही पुत्र। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आता है बेटे सत्रह, वन प्लस वन डिविजिबल फाइव डिविजिबल फोर माइनस वन डिविजिबल थर्टीन डिविजिबल थ्री माइनस वन डिविजिबल थ्री बंद 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 एंड बंद। पहला स्टेप क्या लोगे बेटे बताओ जरा, ब्रैकेट। पहला स्टेप लोगे आप ब्रैकेट सॉल्व कर लोगे, ब्रैकेट कौन करने का, पहला स्टेप आपका क्या होगा ब्रैकेट खोलने वाला आपका पहला स्टेप। अब भैया वन प्लस वन डिविजिबल फाइव डिविजिबल फोर माइनस वन डिविजिबल वन थर्टीन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री थ्री थ्री, बोलो समझ में नहीं आई बात, डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं है, है। तेरह तेरह बटे तीन तीन ये सॉरी चार तेरह बटे तीन माइनस एक बटे तीन, तेरह बटे तीन बटे एक बटे तीन जाएगा कितना बटे बारह बटे तीन, तू क्या कह दो बटे बारह बटे तेरह बटे ग्यारह कितना बचे बारह, बारह बटे तीन जो बोलो समझ में नहीं आएगा बटे बार। ओके अब मेरा अगला स्टेप होगा वन प्लस वन डिविजिबल फाइव बाई फोर माइनस वन बाई फोर, पता लगे लो बहुत मत आ गया जिसे सोल्व करा था अभी, जिसका मान कितना आता चार, पांच बटे गया चार बटे चार चार बटे चार करो तो एक भाग एक जमा एक ते को भागोगे एक कर एक ये मेरा क्या है, बोलो कोई दिक्कत आ रही है बच्चों। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18, यस कहता है फाइव माइनस थ्री बाय फोर प्लस टू वन बाय टू माइनस पॉइंट फाइव प्लस वन बाय सिक्स माइनस वन बाय सेवन, रेखा ब्रैकेट सब ब्रैकेट सब ब्रैकेट क्या क्लोज। ओके आइए शुरुआत करते हैं पुनः, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी मैंने ब्रैकेट कितने प्रकार के पढ़ाए थे कल, कौन कौन से, बड़ा मझला छोटा और मैंने क्या सिखा था कि सबसे पहले इसी ब्रैकेट को दूसरे पे तीसरे पे चौथे, यानी कि सबसे पहले रेखा ब्रैकेट खोलते हैं, दूसरे नंबर पे छोटा ब्रैकेट, तीसरे पर मझला, चौथे पर बड़ा ब्रैकेट खोलते हैं। क्लियर हो रही बात बेटे, तो जब मैं इसको खोलूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बटे छह एक बटे सात घटाना पड़ेगा, ये इसी बात है कि नहीं, तो वन बाय सिक्स माइनस वन बाय सेवन यहाँ लिख देता है, तो हर बराबर करेंगे, हर बराबर करने की बहुत सारी विधियां हो सके पढ़े पढ़े तरीके हो सके करने के, मैं करता हूँ सात ही कम चार छह ही कम छह सात मतलब छह जगह एक बटे सात छंग राइट। अब मेरा जो स्टेप बचा वो बचेगा पॉइंट फाइव प्लस वन बाय फोर्टी टू, ये वाला बोलो समझ में आया नहीं भाई, अब हर करेंगे बराबर दशमलव डाले बटे पहले मैंने ठीक है नहीं, दशमलव हटा एक अंक पर दशमलव था पांच ही कम पांच दूनी दस अर्थात एक बटे दो पक्का,
हर बराबर करो 21 की टेबल याद करोगे तो 21 कम 21 21 दुनी 42। अब 21 और 1 22 बटे 42 मैं लिखूं 5 माइनस 3 बटे 4 प्लस 2 दुनी 4 और 1 5 बटे 2 माइनस 22 बटे 42। बोलो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लग रही है? आइए अब देखो 5 बटे 2 माइनस 22 बटे 42 है, 5 बटे 2 माइनस क्या है 22 बटे 42 है, तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे 21 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे कितने से गुणा कर रहे हैं 21। देखो सबसे बड़ा काम जो है रोल जो होता है टेबल का होता है अंकगणित, 21 पंजे 5 माइनस 22 बटे 42, 5 बटे 2 गे 3, 10 बटे 2 गे 8, 83 बटे 42। अब मैं यहां लिख देता हूं भैया 5 माइनस 3 बाई 4 प्लस 83 बाई 42, 83 बाई 42। अब देखो 4 के टेबल में तो नहीं आता 42, लेकिन 21 चौक 84 और 42 दूरी भी क्या हो 84। या तो आप यहां रख के क्या ले लो एलसीएम ले लो ऐसे, या आपकी इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए भैया 21 चौक क्या हो 84 और 42 दूरी क्या हो 84, तो आपको पता लग जाएगा यार 21 से आप गुणा कर दूं और 2 से गुणा कर दूं यहां बार बराबर करना है तो उद्देश्य है ओके 21 की 63 जमा 3 गुणी 6 3 2 8 166 बटे 84 माइनस 5। अब तो कर लोगे इससे आगे कर सकते हो क्या? यस सर। बताओ बेटे 6 3 9 6 6 12 238 बटे 84 माइनस 5। अब ऊपर नीचे कितना तक गुणा करनी पड़ेगी 84। क्लियर? नेक्स्ट कर दे रहे हो आते हैं अगले क्वेश्चन पे बात जी भैया कहते हैं 5 सही 5.75 5.75 माइनस 3/7 इंटू 15/3/4 प्लस 2/4 2/35 डिविजिबल 1.44 ओके यस डियर चाइल्ड। तो आपने देखा दो जगह डेसिमल, अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने लोग डेसिमल भी हटाना नहीं जानते? सच देखो सच बोलो मेरे साथ, मैं और कोशिश करूंगा, मैं कहता हूँ मुझे इसमें से डेसिमल रिमूव करना, कितने लोग भी रिमूव कर सकते हैं स्ट्रक्चर के बच्चे? एक, बहुत बढ़िया वेरी गुड, तुम कर दोगे रिमूव, तो हाथ उठाने में क्या जा रहा भाई? हम पूछते हैं छोटी छोटी बात छेड़ो सब, मैं इसी बात पे चर्चा ही करता हूँ, अगर छोटी बात नहीं आती उसी को सीखना, ये मैं छोटी चीजें सीखा रहा हूँ, मैं सीधा लाभवाणी में ले जाकर मैं आपको लाभवाणी आपकी समझ में आना क्या होता आसान होता, ठीक है नहीं? लाभ आती आपको लगता कि फटाफट हो रहा है वैसे मान, लेकिन ये कैलकुलेशन नहीं आएगी तो वो लाभ आनी रुकी नहीं रह जाएगी, आप जो है समाज आगे नहीं पढ़ सकते। तो छोटी चीजें सीख रहे हैं हम लोग, जो नहीं आता उसको बता दिए, पहले हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे सीखने के लिए, तैयार करा रहा हूँ आपको सीखने के लिए ओके डियर चाइल्ड, आपको सिखाता हूँ आराम से सीखेंगे आप देखें, हमको जिसमें से दशमलव आंदोलन हटाना उसी के नीचे से डरा किसको, अब आप देखो दशमलव के नाम से लगा दो एक और उससे इधर जितने अंक है उतनी जीरो लगा दो डेसिमल रिमूव, डेसिमल रिमूव नहीं समझ में आई कि नहीं आई? 25 × 50 × 35 × 75 × 100 × 60 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 × 65 × 100 ×
अब एक बात सुनो, क्या
हम लोग यहाँ जो ये सात है, तीन बटे सात नम उसको तो काटेंगे बेटे, तेईस बटे चार माइनस नौ किए सत्ताईस बटे चार प्लस बहत्तर गुणी एक सौ चौबीस दो पचास सौ पांच ढाई पचास पांच सते दस बटे सात। अब देखो बच्चों इसका डिनोमिनेटर इक्वल है, अभी चार है यहाँ जोड़ो ना पहले ने घटाई लो, ये माइनस के सत्ताईस है प्लस के तेईस, माइनस के सत्ताईस होते प्लस के तेईस जाएगा क्या बचेगा माइनस के चार बटे चार प्लस दस बटे माइनस के चार बटे चार माइनस का एक भी तो कह सकूं भाई चार कम चार ये माइनस का एक है बराबर थे सॉरी इससे बराबर इंग्लिश डबल हो सोना सना का दस बटे सात माइनस एक ऊपर नीचे सात से मल्टीप्लाई दस में सात जाकर तीन बटे सात यही मेरा क्या है। किसी बालक को कोई समस्या लगी हो बताओ बेटे, ये सिंपलीफिकेशन आपको सीखना पड़ेगा, जब तक आपको सिंपलीफिकेशन अच्छे से नहीं आएगा तब तक आप जो है गणित नहीं सीख पाएंगे, जितनी ज्यादा मेहनत कर सको इस पर कर दो गणित, आपका फिर था मेरी जिम्मेदारी, इधर हम पढ़ रहे हैं उधर आपको क्वेश्चन करने आ रहे हैं ठीक है नहीं, तो सरलीकरण को अच्छे से पक्का हम लोगों को करना। नेक्स्ट अगला सवाल आता है कहता एक सही उनतीस बटे छत्तीस प्लस चार सही एक बटे आठ गुणा एक सही सात बटे डिविजिबल पांच सही एक बटे नौ माइनस सात सही सात बटे आठ डिविजिबल नौ सही नौ बटे बीस। अब देखो दो सवाल के सवाल कितने हो गए दो, दो एक सवाल ये हो गया एक हो गया ठीक है नहीं, तो पहले तो इस हाल कर लो इसका सॉल्यूशन करके क्या छोटा आता है इसका सॉल्यूशन कर लो, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पहले ओके। छह नौ पंद्रह का पांच का तीन दो पांच और एक छह पैंसठ बटे छत्तीस जमा आठ चौ बत्तीस और एक तैतीस बटे आठ गुणा ग्यारह एक ग्यारह साठ अठारह बटे ग्यारह क्लियर सर, ग्यारह तीयो दो चौक आठ दो नम सत्ताईस बटे चार जमा पैंसठ बटे अब ऊपर नीचे हर नौ से गुणा करेंगे कितने से करेंगे पैंसठ जमा नौ सते तिरसठ नौ दो अठारह छह चौबीस बटे छत्तीस पांच और तीन आठ छह चार दस तीन सौ आठ बटे छत्तीस किसका मान आया भाई दूसरा पार्ट नौ बजे पैंतालीस करे छियालीस बटे नौ आठ सती छप्पन सात तिरसठ बटे आठ गुणा बीस कम एक सौ अस्सी नौ नवासी यानी कि बीस बटे एक सौ नवासी लिख दिया बेटे मंडल है गुणा में भी कर दिया वो बैल भी कर दो काम करे एक कमन में ठीक है नहीं अन्य लिखा जाना था एक सौ नवासी बटे बीस लेकिन मैं बाकी जगह के इकनी साल लगा लिया और इस पर रिवर्स ठीक है तीन टाइम चार दुनी आठ चार बजे छियालीस बटे नौ नब्बे पांच बटे डिनोमिनेटर फिर इक्वल करें हर बराबर करें जो भी सॉल्व नहीं होना सवाल दो तक यहाँ तो दो तक गुणा कर दो यहाँ कितने तक तीन छियालीस दुनी बानवे माइनस पंद्रह बटे अठारह ठीक हो गया भाई नौ दुनी अठारह तैतीस अठारह बारह में तो पांच गए साठ सतहत्तर बटे अठारह और यू क्या लिख रहा भैया तीन सौ आठ बटे छत्तीस याद आया कुछ क्या करूँ भैया वेरी गुड छत्तीस गुणा अठारह बटे अठारह दुनी सतहत्तर दुनी चौका दो दुनी आंसर कितना आ जाता है बोलो किसी को दिक्कत हो रही है भाई समझ में आई बेटे बात पक्का नेक्स्ट
तथा 0.5 डिविडेबल 12.5 प्लस 0.25 इनटू 0.05 यस, ये हमको करना है, राइट। आप देखें दो बातें भाई, दशमलव लग रहा है तो हम लोग डेसिमल को रिमूव कर ले। जब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सीधी सीधी सी गुना भाग सी है, पांच पांच वाली है सर, तो हम इसे दशमलव में रखते हैं, ठीक है ना, हटाते नहीं दशमलव। मैं इसको 0.5/12.5 लिख सकता हूँ क्या, प्लस 0.25 × 125 दो यहाँ पे और दो पे ही टोटल कितने अंक में दशमलव से ज्यादा अच्छा बात समझ आई क्या बात, ओके। हाँ भाई ये था एक ऊपर एक पे नीचे कट गया, पांच ही कम 25, अब लेकिन एक बटे 25 को फिर सोल्व करना मेरे को, तो दशमलव में ले आता हूँ दोबारा से, फिर इसको 25 से एक को मार के चला दोगे नहीं चला सकते, दशमलव में बैठ उतार ली जीरो नहीं चलती, मार दी एक जीरो में बैठ उतार ली जीरो, 25 चौका 0.04 प्लस 0.125 अर्थात 0.0525। कोई बच्चे को दिक्कत फील हुई हो बता रहे, समझ नहीं आएगा दोबारा फेल लेने क्या दिक्कत आ रही, एक सेकंड रुक जाओ बस। ऐसे तो बच्चे चाहिए जो जिसकी समझ में ना आवे, कहीं समझ नहीं आ रहा। मैंने इसको यहां से रिमूव कर लिया, ये मेरा क्वेश्चन था बेटे, तो मैं करता क्या हूं कि इसकी रिश्ती गुणा कर दूंगा, अच्छा इसको भाग दे दूं, भाग दूंगा तो 0.5/12.5 होगा प्लस 25 × 125 दो और दो चार अंकों पर दशमलव, भाग देने पर दशमलव घटते हैं, गुणा करने पर दशमलव, तो इसको तो मुझे कुछ करना ही, ये तो मेरा फिट हो गया बिल्कुल। अब मुझे करना है इसको, यहाँ कितने अंक पर दशमलव तक पड़ेंगे और नीचे कितने अंक, तो दशमलव तक दशमलव घट जाएगा, जब उतने अंकों को ऊपर हो उतने पे नीचे हो तो डेसिमल का डेसिमल। अब भैया पांच ही कम पांच, 25 पर कट गया, इसका मान आएगा 1/25, लेकिन मुझे तो इसमें जोड़ना इसे, तो इसे भी किस में कन्वर्ट करूंगा, डेसिमल में कन्वर्ट डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा 25 तक एक को मारने चला, सीखनी पड़ेगी ये चीज। अब देखो एक को यहाँ 25 से भाग दो, दशमलव लगा के उतार दीजिए, नहीं मारनी चलती लगा दी जीरो उतार दीजिए, 25 चौका 100 इसमें अब जोड़ते हैं तो जीरो के सामने दशमलव के सामने दशमलव रखना होता है, याद रखेंगे इस बात को, 5 2 5 0 यही मेरा आंसर। बोलो किसी को दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता 5/2/5 का 140 प्लस एक्स बराबर 800, ओके कुछ नहीं करना पुत्रों, 5/25 = 27/5 गुणा 140 × x = 800, 5 × 10 = 27 की 28 की गुणा 756 जमा एक्स बराबर किसके 756 प्लस के दर्जा कई हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू कितनी बचेगी 46। कोई डाउट समझ में आ रहा है, सवाल नंबर आता है कितना 23, 6/2/3 का 7.26 डिविडेबल 0.45 का
एक्स बराबर 8 से 32 बटे 117, 8 से 32 बटे 117। विद्यार्थी गण 36 18 2 20 बटे 3 का 726 बटे 100 भाग 45 बटे 100 का एक्स बराबर 8 से 32 बटे 100। क्या करा आपने इसने अपन काम केवल दशमलव हटाने का करा, क्या करा बेटे डेसिमल हटाने का करा, डेसिमल रिमूव करने का एकमात्र काम किया हमने, डेसिमल रिमूव किया उसे एकमात्र ही काम करा हमने बेटे, समझ रहे ना बात? हाँ जी समझ रहे बात। देख दो अंकों को दशमलव था, दो एक क्या के दो जीरो लगा दी, हमने बढ़ गया समझ में। यहाँ भी दो अंकों को दशमलव था, एक क्या के दो जीरो लगा दी, दशमलव लगा दी। क्लियर? का मतलब गुणा, का मतलब गुणा। 20 पंजे 100, 3 दुनी 6, 3 चौका 3 दुनी 6, 242 बटे 5 भाग 45 एक्स बटे 100 बराबर 8 से 32 बटे 117, 8 से 32 बटे 117। फिर क्या करना है? भाग को किस में बदलना? यस, 242/5 मल्टीप्लाई 100 बटे, याद रखना है एक्स की संख्या ज्यादा क्योंकि एक्स की गुणा 45 में हो रही है, एक बराबर 8 से 32 बटे 117 9 × 20 = 5 × 20 = 5 × 4 × 8 = 16 × 8 = 9 × 9 = 168 × 117। जब जोड़ घटाना है बराबर भी तो ऊपर वैल्यू ऊपर की कट जा, नीचे ना नीचे कितने एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये मेरा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट सवाल नंबर आता है 24। 8 × 1/4 − 4 × 1/5 + 2.8 + 4/x −2.32 = 5.3। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब इस सवाल में देखो कहीं का गुणा भाग का कोई प्रयोग है क्या? नहीं, है तो नहीं, केवल किसका है? प्लस माइनस का। इस 8 × 1/4 का तुम बताओ क्या कह सको? बोलो 8 + 1/4 कह सको, यानी कि 8 ये प्लस के हैं, 4 ये माइनस के। 2.8 को क्या कह सको? 2.8 को नहीं, 28 ना, ये तो कह सको 2 + 0.8 कह सके ना, उसका प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा? 2.8 ही तो आएगा, कह सको कि नहीं कह सकते? ओके समझ लेने बात, ये छोटी छोटी सी बातें इनको सीख लेना चाहिए। 8 प्लस के हैं, 4 माइनस के, क्या बचा भाई? 4। 2 प्लस के हो गए 6, 2 माइनस के हो गए 4, 4 प्लस के हैं गजब के हो जाएंगे माइनस, तो कितना बच जाएगा? 1.33 माइनस के 3 2 9 गजब के हो जाएंगे प्लस के, तो इसका मान आ जाएगा 1.65 और मेरे पास बचा 4/x + 0.8। अब देखो एक 1/5 के बारे में पता होना चाहिए, 1/5 का मतलब होता है 0.2 भाई, 5 से 1 को भाग दोगे तो 0.2 हो जाएगा, पता होना चाहिए, बेसिक कांसेप्ट है, जब तक हमको इस बात का नहीं पता तो दिक्कत ही नहीं है। माइनस 1/4 का मान होता है 0.2 राइट, बोलो बेटे कोई दिक्कत नहीं करने वाले। 25 पैसे में से 20 पैसे कटाओगे तो कितने पैसे बनाए? 80 पैसे, 80 पैसे में 5 पैसे छोड़ोगे कितना हो जाएंगे? 85 पैसे, 85 पैसे प्लस ये कर दोगे कि हो जाएंगे 165 पैसे में तो 85 पैसे घटाओगे कितना बचेंगे? 80 पैसे बचेंगे भाई, 85 पैसे हो गए ना रे आप, 85 कर दोगे तो कहीं 165 पैसे में तो 85 पैसे घटाओगे तो कितना बचेगा? यहाँ बच गया 4/10 जीरो डेसिमल हटाना है।
चार गुणी दो पंजे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की सीध में पांच आ रहा था, x की वैल्यू कितनी आ गई, किसी को दिक्कत हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर, 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर आपने खुद करना, 28 नंबर मैं सिखाऊंगा। 17.28 डिविजिबल x बाय 3.6 इनटू 0.2 इज़ीकल टू किसके 2। 17.28 बाय x इनटू 3.6 इनटू 0.2 बराबर चले 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, ux1 डिवाइड में है तो खा जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 17.28 बाय 2 इनटू 3.6 इनटू 0.2 = हो जाएगा क्या बेटे, तू बेटे तब यहीं ले जा, नीचे ही आ रही हो जाएगा पक्का करूं बेटे, नहीं करूं दो अंकों पे दशमलव यहां दो पे यहां डेसिमल था डेसिमल, 2 × 4 इन चार तो लेते हैं पहले इसको, 4 × 16 बच गया, 4 × 3 = 12 फिर 4 × 4 = 36 4 × 2 = 40 4 × 4 = 9 × 4 = 12 x की वैल्यू कितनी आ गई 12 नंबर कितने हो, किसी को दिक्कत होगी यस आगे बढ़े सर। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है 4.59 इनटू 1.8 डिविडेबल 3.6 प्लस 5.4 ऑफ 1/9 माइनस 1/5। मेरे प्यारे प्यारे टीचरों, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या करना है, ये वाला मटेरियल उठा देना, काम और 9 × 6 = 24 अच्छा 1/5 को क्या सिखाया मैंने लिखना भाई बताओ, 0.2 क्या लिखना सिखाया, 0.2 यस, इससे से काट लो 0.2 लिख दो क्या नो प्रॉब्लम, अब मैं लिखूंगा 4.59 गुणा 1.8 बाय 3.6 प्लस 0.6 माइनस 0.2 देखते हैं 18 × 6 तो उसे इसको डिवाइड करता हूं 2 × 4 2 × 5 = 10 सॉरी कोई बात नहीं ना कट दे, 2 × 4 2 × 4 बच गया है हो गए 19 2 × 18 बच गया है 2 × 5 = 10 कट गया प्लस 0.6 में आता है 0.2 घटाओ तो कितना बचेगा 0.4। अभी आपको क्या करना है ऐड करो 2.295 में 0.4 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 2.695 क्लियर। दो तक अगर दो है आपके पास बटे में दो अगर आपके पास लिखा है तो कहीं भी आपका जो है बार वाली संख्या बनने वाली नहीं है, एक टाइम बैक है कुछ समय बाद ही दो तक जरूर ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर कहीं ना कहीं एक रहना और जहां एक रह जाएगा वहीं 2 × 5 = 10। नेक्स्ट वन सवाल नंबर 30 नगरा 0.6 गुणा 0.6 प्लस 0.6 भाग 6 यस 6 × 6 = 36 प्लस 0.6 बटे 6 इससे भाग दोगे 0.1 आएगा बेटे एक अंक बदल दो इसका मान आएगा 0.46 तब तो यूं। नेक्स्ट अब आते हैं बेटे लंगड़ी में, कौन सी बताती है लंगड़ी, 1/2 2 / 1/3 / 1/1 / 4 बच्चों ये निचले वाली साइड से पेपर होना चाहिए, 4 × 4 और 1 × 5 चार टर्न करके चला जाएगा यहाँ 5 × 15 15 × 4 = 5
पांच संकल्प पे चला जाएगा यहाँ उन्नीस दुनी अड़तीस और पांच तैतालीस बटे उन्नीस उन्नीस टन करके चला जाएगा यहाँ उन्नीस बटे एक एग्जाम्पल हो देता हूँ कहता है वन बाई टू पॉइंट फाइव माइनस वन टू प्लस है जी टू माइनस सॉरी टू पॉइंट फाइव माइनस वन बाई थ्री पॉइंट टू फाइव माइनस टू पॉइंट फाइव पॉइंट सेवन फाइव प्लस पॉइंट फाइव चौंतीस नंबर क्वेश्चन थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ पॉइंट सेवन फाइव में पॉइंट फाइव जीरो जोड़ोगे कितना होगा इसका मान हो जाएगा वन पॉइंट टू देखो ऊपर एक जीरो लगा लो मान पर कुछ फर्क नहीं पड़ता दो अंकों पे यहाँ दो पे यहाँ डेसिमल का डेसिमल सवा सौ गुणी टू पॉइंट फाइव माइनस वन बाय थ्री पॉइंट टू फाइव माइनस टू थ्री पॉइंट टू फाइव मतलब टू माइनस करोगे तो कितना बचेगा वन पॉइंट टू फाइव दो जीरो लगाओ डेसिमल इसका भी बाय पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस चौका सौ इसका भी लगाऊ भाई पांच पच्चीस बटे दस माइनस चार बटे पांच और चार बटे पांच अब फिर बराबर करेंगे ऊपर नीचे दो से गुणा पच्चीस बटे दस माइनस आठ बटे दस पच्चीस बटे आठ कितने बजे सत्रह सत्रह बटे दस सत्रह बटे दस का मतलब कितना आज यहीं तक हम लोग कहानी को रखेंगे बेटे आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए मेहनत करिए और अधिक चलिए तो स्टॉप कर दे भाई।